दोस्तों महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है और दोस्तों इस युद्ध में अनेक शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया जिन्हें कोई भी हरा नहीं सकता था। और इसके अलावा महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। लेकिन क्या दोस्तों आप ये बात जानते हैं कि इतने महान योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे? आइए दोस्तों जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांच सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अर्जुन के बारे में। दोस्तों महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भी सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि अर्जुन के पास कई अस्त्रों का ज्ञान था। दोस्तों कहते हैं कि जब अर्जुन को चुनाव का मौका दिया गया कि वह श्री कृष्ण की नारायण सेना को सुनेगा या श्री कृष्ण को, तो उन्होंने श्री कृष्ण को सुना था। यह महाभारत का सबसे बड़ा निर्णय था। और दोस्तों अर्जुन ने कौरवों की आधी सेना को मार दिया था जिसमें भीष्म पितामह और कर्ण शामिल थे। दोस्तों दूसरे नंबर पर हम बात करने वाले हैं द्रोणाचार्य के बारे में। दोस्तों द्रोणाचार्य ने ही दोनों तरफ की सेनाओं को ज्ञान दिया था। इनके पास हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसके अंदर नारायण अस्त्र, परशुराम अस्त्र और ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो महाभारत के युग में द्रोणाचार्य को कभी भी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं दानवीर कर्ण के बारे में। दोस्तों दानवीर कर्ण को उनकी कवच और कुंडल के साथ कभी हराया नहीं जा सकता था। कहते हैं कि पहले छल से कर्ण के कवच और कुंडल का त्याग करवाया, उसके बाद भी युद्ध में कर्ण से जीतना असंभव था। कहते हैं कि जब कर्ण का रथ एक गड्ढे में फंस गया तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। दोस्तों कर्ण को वरदान मिला हुआ था कि उसके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं भेज सकता। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया लेकिन उन्हें मारा नहीं, क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह अर्जुन के अलावा अपने किसी भी भाई को नहीं मारेगा। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं भीष्म पितामह के बारे में। दोस्तों महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को हराना असंभव था। भीष्म पितामह को वरदान मिला हुआ था कि उनकी जान उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं ली जा सकती। 10 दिनों तक युद्ध में पांडव भी समझ गए थे कि भीष्म पितामह को हराना असंभव है। दोस्तों कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने महर्षि परशुराम को भी हराया था जो श्री कृष्ण के अवतार थे। तब शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर सैकड़ों बाण तागे और भीषण तीरों के बिस्तर में फंस गए। तब उन्होंने अपनी मर्जी से अपने प्राण त्याग दी। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण के बारे में। दोस्तों महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा श्री कृष्ण थे। माना जाता है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया। श्री कृष्ण सिर्फ अपनी रणनीति से वह इतने बड़े महान योद्धाओं को मात दे पाए। और दोस्तों कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण हथियार उठा लेते तो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से ही कौरवों की पूरी सेना का विनाश कर दे, क्योंकि श्री कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा अमर नहीं था। और दोस्तों महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया था। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।